दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा समरी वीडियो लेकर आया हूं जिससे आप सीखेंगे कि अपने अंदर एक न्यू हैबिट कैसे ऐड किया जाए और कैसे बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं। आज आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ को पाने के लिए एक पावरफुल हैबिट का होना बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बुक एटॉमिक हैबिट्स से बताऊँगा कि कैसे स्मॉल स्टेप्स एंड एफर्ट बड़े रिजल्ट क्रिएट करते हैं और क्यों हम चाह के भी अपनी हैबिट को बीच में छोड़ देते हैं और कैसे उन पर टिके रहे और कैसे हम कोई भी हैबिट बिल्ड या क्विट कर सकते हैं और कैसे अपनी आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट करके अपना बिहेवियर और हैबिट चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो को आपको जितनी सरल हो सके समझाने का कोशिश करूंगा जिससे कि आप लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाए। नंबर वन, द 1% रूल, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस कैन रिजल्ट इन मैसिव रिजल्ट। दोस्तों जब कोई सफलता हासिल करने या न्यू हैबिट ऐड करने की बात आती है तो लोग उसके लिए एक दिन में बड़े बड़े स्टेप्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट आज रियलिटी में देखा जाए तो ये कहना गलत है। याद रखना, कंपाउंडिंग इफेक्ट बिजनेस या सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ही काम नहीं आता बल्कि हमारे डेली लाइफ एंड हैबिट्स में भी अप्लाई होता है। याद रखना, कंपाउंडिंग आपके गुड हैबिट या बैड हैबिट दोनों केस में अप्लाई होता है, बट यहाँ पर आप किस में ज़्यादा टाइम देते हो ये इम्पोर्टेंस है। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ध्यान दे रहे हो और इफेक्टिव हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो आपको रोज़ 1% इम्प्रूव करना चाहिए जिससे आप साल के आखिर में 37 टाइम्स और ज़्यादा बेहतर ग्रो कर चुके होंगे। तो आपको ओवरनाइट रिजल्ट या बड़े स्टेप को भूलकर रोज छोटे स्टेप और कंसिस्टेंसी में फोकस करना है। याद रखा, हम जब 1% एवरीडे इम्प्रूव को शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो फायदेमंद नहीं लगता, मगर इसी का लॉन्ग टर्म गोल के साथ देखोगे तो बड़ा रिजल्ट्स एंड फायदेमंद लगता है। तो आप अपने गोल को पाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म विजन रखकर एवरीडे 1% ग्रो करते जाओ। नंबर टू, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, फॉरगेट अबाउट द इंस्टेंट रिजल्ट। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दुनिया में हमारे लिए अपने हैबिट्स को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि तुरंत इन्फॉर्मेशन, तुरंत प्रोडक्ट डिलीवरी, तुरंत कंटेंट एंड कुछ ही क्लिक में तुरंत सब कुछ पाने की वजह से हमारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इंस्टेंट रिजल्ट के लिए वायर्ड हो चुका है। लेकिन अगर वही हम डिले ग्रेटिफिकेशन जैसे सोच एवं आदत को अपना लेते हैं तो हम जेम्स क्लियर के प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को सही से समझ पाएंगे। हमें प्रोग्रेस का रास्ता बहुत ही सीधा और लीनियर दिखता है, लेकिन असल में ये रास्ता लंबा, टेढ़ा और उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। जेम्स कहते हैं कि हैबिट तब तक कोई विजुअल रिजल्ट शो नहीं करती जब तक हम थ्रेशोल्ड ब्रेक शो नहीं कर लेते, और इसमें काफ़ी लंबे समय लगता है और इस लंबे टाइम पीरियड्स में कई बार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तभी अपने काम को, हैबिट्स को या लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं कोई रिजल्ट न दिखने पे। तो अगर आपको सच में ही कोई सॉलिड हैबिट्स फॉलो करना है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट से भरे हुए रास्ते को भी अपने दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, यानी आपको ऑलरेडी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर के लिए तैयार रहना है और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप लेटेंट पोटेंशियल के प्लेटो को क्रॉस नहीं कर देते। नंबर थ्री, द साइकिल ऑफ हैबिट्स, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर हैबिट साइकिल को 4 स्टेप में डिवाइड करके समझाते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यों, हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए। सुबह की सुस्ती क्यों है, सुबह के चाय का। क्रेविंग, वो काम को करने या हैबिट के लिए मोटिवेशन फोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे चाय के बाद एनर्जी और चाय की खुशबू आपकी क्रेविंग है। रिस्पॉन्स, वो हैबिट्स और एक्शन है जो हम करते हैं, आपका चाय बनाना व बनवाना हुआ रिस्पॉन्स, और रिवार्ड होता है एंड गोल हर एक हैबिट का, यानी कि फीलिंग अब एक एनर्जी एंड चाय पीना हुआ आपका रिवार्ड। पहले के 2 स्टेप क्यू एंड क्रेविंग प्रॉब्लम बेस्ड होती है और आखिर के 2 स्टेप रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड सॉल्यूशन बेस्ड फेस है। ये हैबिट साइकिल आपके गुड एंड बैड हैबिट दोनों पे अप्लाई होती है और जेम्स कहते हैं 4 लॉस ऑफ बिहेवियर चेंज इसी साइकिल से इन्फ्लुएंस होकर निकलती है, जिन्हें हम नेक्स्ट पॉइंट में आइए ठीक से समझते हैं। नंबर 4 लॉस ऑफ बिहेवियर चेंज। सो फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस, अप्लाई होता है क्यू पे। सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, अप्लाई होता है क्रेविंग पे। थर्ड लॉ, मेक इट इजी, अप्लाई होता है रिस्पॉन्स पे। एंड लास्ट 4th लॉ,
मेक इट सेटिस्फाई अप्लाई होता है रिवार्ड पे। तो फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि आपको बुक रीडिंग का हैबिट डेवलप करनी है, तो आप मॉर्निंग में अपने बेड के पास एक बुक रख सकते हैं, जिससे ऑब्वियस हो जाएगा कि आप नाइट में सोने जाएंगे तो आपको बेड के साइड में बुक दिखाई देगी, और आराम से ब्लैंकेट में लेटे लेटे हाथ में कंफर्टेबली बुक लेके पढ़ना आपके लिए अट्रैक्टिव होगा। ऐसा करना ज़्यादा ईजी होगा कंपेयर टू लाइब्रेरी से बुक ढूंढ के निकालने के या बेड्स पे बैठ के पढ़ने के। और रोज़ एक चैप्टर खत्म करने से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। और वही आपको कोई हैबिट ब्रेक करनी है तो आपको बस इन नियमों का बिल्कुल उल्टा करना है। फॉर एग्जांपल आपको अगर सिगरेट छोड़नी है तो फर्स्ट आपको उसे इनविजिबल कर देना है, यानी आपको उसे खरीदना ही नहीं है और ना ही उसे अपने बैग पॉकेट या घर में रखना है। सेकेंड आपको उसे अनअट्रैक्टिव बना देना है, यानी कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि फिटनेस कॉन्शियस होने के साथ आपको हेल्दी डाइट अट्रैक्टिव लगे और सिगरेट अनअट्रैक्टिव। थर्ड आपको उसे डिफ़िकल्ट बना देना है, आपको अपने स्मोकर फ्रेंड के साथ नहीं घूमना, आपको वो रास्ते चेंज कर देना है जिस दुकान से आप रोज़ सिगरेट लेते हैं। आपको सबको बोल देना है कि अगर वो लोग आपको कभी सिगरेट पीते दिखे तो वो आपको लूज़र बोल के जाए। और फोर्थ लॉ है कि आपको उसे अनसेटिस्फाइंग बना देना है। अगर आप जिम जाओगे और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करोगे तो आपको सेटिस्फाइंग जिम और हेल्दी डाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि वही आपका डोपामिन रिलीज होगा, फिर आपको सिगरेट अनसेटिस्फाइंग लगेगी। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल थे। आप अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके कोई भी हैबिट्स को बिल्ड करने या छोड़ने के लिए इन चार नियमों का फॉलो कर सकते हैं। नंबर 5 फोकस ऑन सिस्टम। जेम्स कहते हैं कि हमें गोल्स पर फोकस करने की जगह डेली सिस्टम में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, यानी कि अगर हमारे डेली प्रोसेस प्रोडक्टिव एंड डिसिप्लिन है तो हम जो चाहे वो लॉन्ग टर्म में पा सकते हैं। याद रखना गोल सेटिंग करने बस से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोल तो विनर एंड लूजर दोनों ही सेट करते हैं, लेकिन अचीव वही कर पाते हैं जिन्हें अचीव करने का सिस्टम पता हो कि कैसे कुछ अचीव किया जाता है। तो गोल्स पे नहीं अपने डेली रूटीन और सिस्टम पे फोकस करो। गोल्स वो रिजल्ट के बारे में होता है जो आप अचीव करना चाहते हैं, और वही सिस्टम उस प्रोसेस के बारे में होता है जो आपको उन रिजल्ट और अचीवमेंट तक लेकर जाता है। एग्जांपल हर स्पोर्ट्स का गोल अच्छे रिजल्ट होता है, लेकिन अगर आपका ध्यान पूरे वक्त सिर्फ और सिर्फ स्कोरबोर्ड पे होगा तो आपका फोकस खेलने पे नहीं बल्कि कुछ नंबर्स पे होगा और आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और वही अगर आप खेलने के सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करोगे और एंजॉय करोगे तो आप अपने उम्मीद से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ गोल पर ही फोकस कर रहे हैं तो शायद आप यही सोचते होंगे कि मैं जब अपना गोल अचीव कर लूँगा तभी हैप्पी गुड फील करूँगा। इसका मतलब कि आप फ्यूचर में हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन को टाल रहे हैं। और वही अगर आप सिस्टम और प्रोसेस में फोकस कर रहे हैं तो आप रोज ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अचीव करके अच्छा फील कर सकते हैं। नंबर 6 शेप योर आइडेंटिटी। जेम्स हमें इस फिगर से समझाते हैं कि एग्जांपल आपका वेट लूज करना या कुछ अचीव करना एक आउटकम होता है जो कि गोल्स के लिए लेवल पे ऑपरेट किया जाता है, और सेकेंड लेयर होती है प्रोसेस, यानी कि आपका डेली जिम जाना, हेल्दी खाना और रोज़ कोई एक्शन लेना, अपनी हैबिट्स को फॉलो करना। और वही थर्ड लेयर होती है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना एंड डिपेस्ट, यानी कि अगर आप अपने आप को फिट समझने लगते हैं या आपको इस बात में डीपली बिलीव और कॉन्फिडेंट है कि आप जो चाहते हो आप डिजर्व करते हो तो आप उसी चीज़ के लिए बने हो, तो आपके हैबिट्स बिहेवियर एंड रिजल्ट आपके उस बिलीव को फॉलो करेंगे। हमारे बिलीव्स को चेंज कर देना हमारे आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल सिगरेट ऑफर करने पर फर्स्ट पर्सन कहता है कि नो थैंक्स मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वही सेकेंड पर्सन कहता है कि नो थैंक्स मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये बहुत ही छोटी डिफरेंस है, लेकिन यही पावर ऑफ लैंग्वेज बड़ी रिजल्ट्स क्रिएट करती है। तो आपका गोल सेट सिर्फ एक बुक पढ़ना नहीं बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ एग्जाम के लिए कुछ दिन पढ़ना नहीं बल्कि एक अच्छा स्टूडेंट बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ मिलियंस कमाना नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनना होना चाहिए। आपका गोल सिर्फ फिट होना नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन पर्सन बनना होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एटॉमिक हैबिट का बुक समरी। कैसा लगा इसको लाइक शेयर इन कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बुक समरी वीडियो लाता रहूँगा। ओके थैंक यू।